हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छी चीज़ जानेंगे जिसका नाम है माइलस्टोन। आपने काफ़ी बार सुना होगा माइलस्टोन, तो सबसे पहले बात करते हैं माइलस्टोन होता क्या है। माइलस्टोन एक ऐसा मार्क, ऐसा सिंबल होता है जो हमें बताता है कि जो हमारा वर्क है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, माइलस्टोन आपने ज़्यादातर देखा होगा रोड पे लगा हुआ। देखिए, आपको एक पिक दिखाता हूँ मैं, इस तरह से रोड पे लगे होते हैं कि अभी दिल्ली 4 किलोमीटर है, अभी दिल्ली 3 किलोमीटर है। इस तरह से रोड पे हर किलोमीटर पे एक हमने स्टोन लगाया होता है जो बताता है कितना हमारी जर्नी जो है कम्प्लीट हो चुकी है। जहाँ हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो कितने किलोमीटर बचा है अभी दिल्ली, या कितना किलोमीटर हमने कवर कर लिया है ना। तो उसी तरह हम किसी प्रोजेक्ट में भी माइलस्टोन लगा सकते हैं, है ना। हम मार्क कर सकते हैं, हमारा एक साल का प्रोजेक्ट है, हम हर 30 डेज 45 डेज पे एक मार्क कर सकते हैं कि यहाँ तक इतना काम हो चुका है, यहाँ तक इतना काम हो चुका है, यहाँ तक इतना काम हो चुका है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम माइलस्टोन। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ टास्क बना लेता हूँ, जैसे कि मेरा एक टास्क है। अच्छा, टास्क से पहले जो मेरी लास्ट वीडियो उस चीज़ में बता चुका हूँ कैसे एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कैलेंडर डिफाइन करते हैं जिसमें वर्किंग नॉन वर्किंग टाइम होता है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी वीडियोज़ देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। तो चलिए, इसमें मैंने ए टास्क बनाया ए, और ए टास्क है मेरा बी। ठीक है, दो टास्क हैं मेरे जिनका मोड है, टास्क मोड है ऑटोमेटिक। ठीक है, इस टास्क की ड्यूरेशन है 30 डेज, इसकी ड्यूरेशन है 15 डेज। दोनों मेरे ये आज के दिन ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं जैसे इसमें कर रहा हूँ टुडे डेट, टुडे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये 12 फरवरी हो रही है, जबकि आज क्या है मेरी 11 फरवरी 2018 है, लेकिन मैं टुडे डेट करता हूँ, जबकि मेरे कंप्यूटर में भी देखिए यहाँ पे 11 फरवरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो कैलेंडर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग सैटरडे संडे छुट्टी है, उस दिन कोई काम नहीं होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ डालता हूँ, क्योंकि आज संडे है 11 फरवरी, ये ऑटोमेटिक 12 फरवरी ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे गैंट चार्ट बनी हुई है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन कुछ नहीं है, बस एक मार्क है। ठीक है, माइलस्टोन की कोई ड्यूरेशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो बस एक मार्क है, तो इसमें 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब ये 12 फरवरी से 2 मार्च है, जो बी वाला टास्क है 12 फरवरी से 2 मार्च खत्म हो रहा है, मैं माइलस्टोन लगाता हूँ 16 फरवरी को। ठीक है, तो देखिए 16 फरवरी में यहाँ पे एक मार्क लग गया। एक और मार्क लगाता हूँ मैं, माइलस्टोन 2 0 डेज, और ये लगाता हूँ मैं 20 फरवरी को, ये 20 फरवरी को लग गया। तो इस तरह से हम माइलस्टोन लगा सकते हैं। ठीक है, माइलस्टोन केवल एक मार्क है। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देखते हैं अपने प्रोजेक्ट की, तो वहाँ पे मार्क लगा होता है कि अच्छा यहाँ तक ये कंप्लीट, यहाँ तक इतना कंप्लीट होना चाहिए था हमारा टास्क। ठीक है, तो माइलस्टोन ये है, छोटी सी वीडियो है और आगे डिटेल में जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। इस ट्यूटोरियल चैनल पर और भी सॉफ्टवेयर्स की ट्यूटोरियल हैं, जनरली रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर है, लेकिन बाद में हम उसके विषय भी अलग ब्रांचों की ट्यूटोरियल डालेंगे। थैंक यू।